खबर पिपरिया से आज न्यू गल्ला मंडी पिपरिया में मजदूर संघ ने दोपहर में कुछ समय के लिए कार्य स्थगित कर अपनी बात रखी, जिसकी पूर्व में मजदूरी की दरों की वृद्धि को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। इस संबंध में मजदूर प्रवक्ता महेश मौर्य जी ने मजदूरों को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। कुछ सोशल मीडिया पर मजदूरों के विषय में दुष्प्रचार फैलाने वालों का आगाह किया, बगैर सही जानकारी किसी प्रकार से मजदूरों पर आरोप न करें। मंडी में मजदूर अपने परिवार के प्रतिपालन के लिए मजदूरी करने आता है, ना कि लूट करने। बगैर किसी सही जानकारी के मजदूरों को लूट माफिया जैसे अपशब्दों से प्रत्यारोप न करें। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर, किसान, मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे गूंजे। मजदूर संघ का शासन प्रशासन से आग्रह है कि कोरोना काल और बढ़ती हुई महंगाई के चलते मजदूरों को काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, इस विषय पर विशेष ध्यान देकर मजदूरी वृद्धि जल्द से जल्द की जाए। खबर उसमें हमके लिए मवाली गुंडा और करे क्या क्या चीजें ऐसी जो लिखी जा रही व्हाट्सएप पर जो लिखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की पहली मंडी है और इसमें 24 घंटा मजदूर काम करता है। मित्रों, मैंने भी मध्य प्रदेश की मंडी हरिभाई ने मैंने बहुत घूमी है, परंतु हमारा यहाँ का भाईचारा, हमारे व्यापारियों का तालमेल, हमारे किसान का, मंडी समिति का बहुत अच्छा चल रहा है। मैं चाहता हूँ सचिव महोदय से मुलाकात हुई। मित्रों, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे सम्माननीय ठाकुरदास जी नागवंशी, जो क्षेत्रीय विधायक हैं लोकप्रिय, उनसे, वो भोपाल में थे और उनसे फोन पर बात की गई। 2-3 दिन का उन्होंने समय दिया है, सोमवार या मंगलवार तक हमारी दरों पर वृद्धि हो जाएगी, ऐसा उन्होंने हमारे प्रतिनिधि मंडल को बताया। मैं आज से निवेदन करूंगा कि आज जो आपको एकत्रित किया है, उसका कारण, मेन उद्देश्य यह है कि आपको भी तो जानकारी होना चाहिए कि संगठन हमारी बात प्रशासन तक पहुंचा रहा कि नहीं पहुंचा रहा। और एक भी निवेदन हूं मैं आपसे करूंगा कि अपन अपनी ईमानदारी के साथ कार्य करें, ताकि संगठन को नीचा देखना न पड़े। दूसरी बात, संगठन के खिलाफ जो लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं संगठन को, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि संगठन को 100 वर्ष से भी ऊपर हो गए हैं। जब हम मंडी में हरिभाई और हम साथ थे, जब यथावत हमारे बुजुर्गों में ये संगठन को विरासत में दे गए हैं। मित्र, ये हमको कोई चुनाव नहीं लड़ना, हमको कोई विधायक नहीं बनना, हमको कोई सांसद नहीं बनना, हमको आपकी पीड़ा प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। ये 2 मिनट में हाथ जोड़ता हूं, शांति बना सुने एक शब्द को, और मीडिया से मैं आग्रह करूंगा कि इसको अच्छे शब्दों में छापे। परसों घोषणा हुई जो 850 की टंकी 225 रुपए में भराई। मित्रों, ऐसी बिजली के बिलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। सरकार हमको गेहूं जरूर दे रही, हम मानते हैं सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, परंतु परिवार में बहुत सी समस्या है। आज स्कूलों में हमारी फीस है, जबकि हमारे बच्चे 2 वर्ष से नहीं गए। कोरोना काल में हमारे परिवारों को बहुत क्षति पहुंची है और इस देश को भी पहुंची है। मैं निवेदन चाहता हूं प्रशासन से कि हम गरीबों की मजदूरी की उचित मजदूरी तय की जावे। जय हिंद, जय भारत। और सुनना जो वीडियो और वो वायरल क्या होता है, भाई मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। भारतवर्ष के लिए पिपरिया से नवनीत परसाई की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।